हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेफरल बोनस की पॉलिसी के बारे में। अगर आप जेनपैक्ट में जॉब कर रहे हो या फिर आप जेनपैक्ट में जॉब करने जा रहे हो, आप ऑलरेडी जेनपैक्ट में हायर हो चुके हो, तो एक रेफरल बोनस है जो आपको एक एडिशनल इनकम दे सकती है विद इन दी जेनपैक्ट, और क्या रेफरल बोनस की पॉलिसी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। सो हम बात करते हैं रेफरल बोनस के ऊपर। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर मार्च में मैंने जब जेनपैक ज्वाइन किया तो मेरे जो प्रोसेस थी वो बिल्कुल न्यू प्रोसेस थी, उसमें ऑलरेडी ऑनगोइंग हायरिंग चल रही थी। तो मैंने अपने सीनियर मैनेजर से बात किया एंड दो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी। मैंने दो रेज्यूम रेफर किया अपने सीनियर मैनेजर के साथ एंड उन्होंने उन दोनों कैंडिडेट को हायर कर लिया। सो उन दोनों की हायरिंग की वजह से मुझे एडिशनल रेफरल बोनस मिला। एंड जिस मंथ में वो ज्वाइन करते हैं, लाइक मान लो अगर इस मंथ में अभी मिड ऑफ चल रहा है, 18th ऑफ जुलाई चल रहा है, तो अगर कोई भी आपका रेफरल जुलाई में ज्वाइन करता है तो जब नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी मिलेगी, यानी सैलरी उसको जुलाई के लास्ट में मिल जाती है, इस मंथ की सैलरी इसी मंथ के लास्ट में मिल जाती है। जेनपैक्ट की पॉलिसी है लास्ट डे ऑफ मंथ आपको आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो जब लास्ट डे ऑफ मंथ उसको सैलरी मिलेगी तो उसके साथ साथ मुझे भी रेफरल बोनस का अमाउंट मिल जाएगा। तो जो दो कैंडिडेट थे जिनकी मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी, वो दोनों मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल पर ज्वाइन किए थे, यानी बैंड 4 में उन्होंने ज्वाइनिंग किया था मैनेजमेंट ट्रेनी। सो मैनेजमेंट ट्रेनी के ऊपर मुझे 6,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से मुझे रेफरल बोनस मिला एंड वो मेरे सैलरी के साथ मुझे आ गई थी। इसमें जहां तक मुझे आइडिया है कि 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब जो भी कैंडिडेट आपके रेफर के थ्रू कंपनी को ज्वाइन करता है वो कम से कम 3 महीने इस कंपनी में काम करना चाहिए, अदरवाइज जो आपको रेफरल बोनस का अमाउंट मिला है वो कंपनी उसको वापस ले लेगी एंड आपके सैलरी में से डिडक्ट कर ली जाएगी। सो मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ, मैंने एक फ्रेंड को रेफर किया था एंड मैंने रेफरल पोर्टल के थ्रू रेफर किया था, मैंने उसके रिज्यूम पोर्टल पर डाले, देन जेनपैक के एचआर से उसके पास कॉल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, हायरिंग हो गई, उसने एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया एंड उसने जिस मंथ में ज्वाइन किया उसके अगले मंथ में उसने रिजाइन कर दिया। तो मुझे रेफरल बोनस का अमाउंट तो 6,000 आ गया था मेरे अकाउंट में, बट जब उसने नेक्स्ट मंथ में रिजाइन किया तो नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी आई मेरे पास उसमें से 6,000 का डिडक्शन हो गया। तो इस तरीके का इंसिडेंस होता है, इसलिए जो भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं कम से कम 3 मंथ तक वो काम करें, जहां तक मुझे आइडिया है। सो तब आपको रेफरल बोनस आपके पास रहेगा, आपका रिटेन हो जाएगा रेफरल बोनस। एंड इसके अलावा जो अमाउंट है ना वो लेवल टू लेवल चेंज होता है, लाइक अगर आप किसी को सीनियर मैनेजर या फिर एबीपी लेवल के लिए आप रेफर करते हो तो फिर आपको रेफरल बोनस का अमाउंट 20 to 25,000 तक का मिल सकता है। सो ये पॉलिसी है जेनपैक्ट की रेफरल बोनस की। अगर आप किसी को अपने पोर्टल के थ्रू भी रेफर करते हो तो आपको अमाउंट मिलेगा एंड अगर आप इंटरनल रेफर करते हो तो भी आपको अमाउंट मिलेगा, आपके नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ आपको मिलेगा। वहां पे प्रॉपर आई थिंक बोनस अमाउंट लिखा होता है या फिर रेफरल बोनस ऐसा ही कुछ मेंशन की होगी आपकी सैलरी में। 6,000 से लेके 25,000 तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।